वीडियो अपलोड करके बताया था मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लाई। तो फाइनली आप लोग के लिए मैथमेटिक्स का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को पूरा अंत तक देखना, हर एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताऊंगा और कल के एग्जाम यही 100% रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस काम के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। जितना भी स्टूडेंट का हेल्प हो रहा है मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर जोड़िए, वहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग को भेज दिया गया है, ठीक है, PDF भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए आप लोग को जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं बिना एक्सप्लेन किए, ठीक है। एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बिना एक्सप्लेन किए डायरेक्ट मैं आंसर आप लोग को बताते जाएगा, आप लोग नोट करते जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पहला का आंसर मार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, पहला का आंसर आप लोग डालिएगा पहला का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आंसर ए मार लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो नोट करते चलिए, बस आप लोग को नोट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा और पाँचवा है, ठीक है ना। तो चौथा नंबर का आप लोग आंसर करिएगा, आंसर आप लोग का डी आएगा, यही क्वेश्चन है आप लोग का 100%, इसलिए आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग तैयारी करके चल जाए, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन का देखिए आप लोग को पाँचवा नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन। चलिए छठा नंबर चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है यदि ए इक्वल टू यहाँ 4, 5, 6 एलिमेंट दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो ठीक है। तो छठा का ए हो जाएगा, देख सकते हैं छठा का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है ना, सेट्स के अंदर। उसके बाद दिया गया सातवां नंबर, ठीक है ना। तो देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा सातवां का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया आठवां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आठवां का ऑप्शन आप लोग ए हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग को करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है, सेट के अंदर दिया गया है। तो नौ का आप लोग का आंसर हो जाएगा सही 6 और 1 बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 11 नंबर में, 10 नंबर का थोड़ा सा कट गया है, ठीक है ना। तो 10 का आप लोग मार लीजिएगा, 10 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है, यही ऑप्शन होगा 10 का, ठीक है ना, 10 का डी, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो डालिएगा आप लोग ए नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है ना, एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5, ठीक है, 13 नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं 14 और 15 नंबर, ठीक है ना, 14 का सी मार लीजिएगा और 15 का भी सी, ठीक है, 14 और 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना आप लोग के लिए हुआ उतना ही मेरे पास क्वेश्चन जितना आया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 नंबर में पूरा जो है यहाँ से 16 नंबर शुरू है, ठीक है, प्रश्न से 16 से 25 तक के उत्तर दे मैथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर में पूछा गया है, तो 16 का आप लोग आंसर मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और 17 का जो आप लोग मारिएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 और 19, ठीक है, तो 18 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, और 19 नंबर का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लीजिए ए, ठीक है ना। उसके बाद चलिए 20 नंबर देखते हैं, 20, 21 में, ठीक है, तो 20 में आप लोग का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा तो 21 का आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर, तो 22 नंबर में देखिएगा तो 22 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और सही, ठीक है, एकदम 100% करेक्ट आंसर आप लोग के लिए है, ठीक है। तो कोई भी आप लोग को शक नहीं करना है कि करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर है, बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर पूछा गया है, तो 23 का जो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। उसका देखिए 24 नंबर पूछा गया है, तो सी माइनस बी का, तो इसका जो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर पूछा गया है, तो 25 नंबर पूछा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए है, ठीक है, तो 25 का जो आप लोग का सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर पूछा गया, तो 26 में एक्स का मान है, ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ क्या हो जाएगा 26 में 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 में देखिए यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए पाई रेडियन का मान 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग को, 180 डिग्री। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर का, देखिए कॉस 3π/2 का इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, पाई की जगह पर 180 रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर दिया गया है sin 2π, तो sin 2π का जो वैल्यू होगा वो आप लोग का 0 हो जाएगा, cos 2π बोला गया है तो cos 2π का जो वैल्यू होगा वो आप लोग को -1 होगा, ठीक है यहाँ पे।
उसके बाद 10 - x क्या हो जाएगा, -10x, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। उसके बाद देखिए साइन के पूछा है, ठीक है ना, तो इसका देखिए 33 नंबर में क्या होगा, -sin x, ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 33 नंबर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -sin x। इसका cos - x का दिया गया है, तो इसका हो जाएगा cos x, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद फार्मूला पूछा गया आप लोग को, देखिए यहाँ पे 35 नंबर cos x + y, ठीक है, तो देखिए 35 में क्या पूछेगा, cos x + y, इसका हो जाएगा, इसमें देखिए प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसका 36 में देखिए sin x - y, ठीक है ना, तो sin x - y है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, sin x - cos y - cos x - sin y, ठीक है, cos π - x, ठीक है ना, तो cos π - x क्या होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, -cos x, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 38 में sin π/2 + x, ठीक है, तो sin π/2 + x इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में। उसके बाद देखिए 39 नंबर पूछा गया है sin 3θ, ठीक है, तो sin 3θ का होगा 3sin θ + 4sin3θ, ठीक है, 3sin θ + 4sin3θ, ठीक है, 39 का ऑप्शन सी, सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, देखिए 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिए हैं, तो आप लोग को 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, इसमें PDF आप लोग को मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। 5 + 6i का वास्तविक भाग क्या है, इसका इमेजनरी ये हो जाएगा और रियल जो होगा ये, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 11th वाले, और ठीक है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप में PDF मिल जाएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का सलूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।